हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। क्लियर? हमें क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2002 में 1 मार्क्स का। क्लियर? क्वेश्चन क्या था? हाइड्रोस्टेटिक का क्वेश्चन था। द फोर्स एफ रिक्वायर्ड एट इक्विलिब्रियम, द फोर्स एफ रिक्वायर्ड एट इक्विलिब्रियम ऑन द सेमी सर्कुलर गेट शोन बिलो इज, ये है सेमी सर्कुलर गेट। Is that clear? बोला कि ये आपको दिया हुआ है 2 मीटर डेप्थ का। क्लियर बात है? बोला कि इस बॉटम सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा ताकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को होल्ड करेगा। क्लियर सी बात है? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए पहले, नहीं सॉल्यूशन बाद में दिखाते हैं आपको, पहले समझिए इस चीज को क्या है। बोल रहा है क्या कि इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पर फोर्स लगेगा कौन कौन सा। तो एक फोर्स तो आपने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, और 2 फोर्स लगेगा इंटरनल फोर्स। कैसे? ये देखिए, बोला कि एक फोर्स तो लगेगा आपका एफ एच, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, और एक लगेगा आपका एफ वी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, एफ वी। इज दैट क्लियर? तो बोला गया एक तो लगा एफ एच, एक लगा एफ वी और एक लगा एफ। अगर इस तीनों का मोमेंट अबाउट हिंज निकाल दें तो ऑब्वियसली बात है एफ का वैल्यू निकल जाएगा। इस तीनों का मोमेंट अगर हम अबाउट हिंज निकाल दें तो इक्वेट कर दें, क्योंकि जब इसके मोमेंट की बात करेंगे तो इसका मोमेंट कैसा लगेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसका मोमेंट कैसा लगेगा क्लॉकवाइज, और इसका कैसा लगेगा क्लॉकवाइज। मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल्स टू ये प्लस ये, प्लस बात है। तो जब मोमेंट इक्वेट करेंगे तो एफ एच और एफ वी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके रहेंगे, और F का वैल्यू अगर निकल गया तो काम हो जाएगा। F का वैल्यू नहीं निकला तो दिक्कत वाली बात है, नहीं तो FH का फॉर्मूला होता है FH equals to W A H bar, FX equals to होता है W A H bar। Is that clear? W क्या आपका स्पेसिफिक वेट, तो इसको लिख सकते हैं रोजी, और एरिया की बात करते हैं तो एरिया तो होता है आपका प्रोजेक्शन एरिया, तो कितना हो जाएगा प्रोजेक्शन एरिया अगर बात करें तो ये यही होगा ना, तो ये कितना दिया आपको 2, ये दिया हुआ आपको 2, और विड्थ मान लो 1, विड्थ मान लो आप 1, कोई इशू नहीं है, तो ये हो गया 2 into 1, या आप B मान सकते हो, W मान सकते हो, 2 into W मान लो। क्लियर बात है? हमने मान लिया, मान लो विड्थ कितना 1, लेट विड्थ W इक्वल्स टू 1। क्लियर बात है? आप 1 नहीं भी मानोगे तब भी दोनों इक्वेट होगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं इसके लिए डोंट टेक टेंशन। अब देखिए ध्यान से, बोला ये निकल गया इंटू एच बार, तो h बार कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर है तो 2 by 2, सो दैट इज 1। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो fx निकल जाएगा, या इसी fx को हम क्या कहते हैं, fx और fh हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बोला कि fy और fv फाइंड आउट करेंगे, तो fy और fv कितना हो जाएगा अगर बात करेंगे तो ये होता आपका rho g into volume, तो रोजी रहने दीजिए और वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया, सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया और इनटू क्या हो जाएगा आपका विड्थ, तो सेमी सर्कुलर का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर बाई 2। इज दैट क्लियर? और इनटू विड्थ, तो विड्थ आपने कितना माना है W या 1। क्लियर बात है? अब देखो अगर यहां W रहने देते और इक्वेट करने जाते हैं तब से W से W क्या हो जाता आपका कैंसल आउट हो जाता, नहीं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, F का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता अपना। क्लियर बात है? अब बोला कि तीसरा फोर्स तो अननोन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको चाहिए इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। क्लियर बात है? तो ये क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां से पास करता है, जहां आपका लोकेशन ऑफ सीपी होता है, नहीं तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा इसके बाद, एच स्टार। तो एच स्टार का फॉर्मूला होता है एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार, बोला ये भी फाइंड आउट कर लेंगे और सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं। अब देखिए कैसे, बोला क्या इसका सॉल्यूशन भी है आपका पास में। सबसे पहले आपको दिया हुआ गिवन डेटा, क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लिया गया, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर दिया हुआ आपको 2 मीटर फिगर में। क्लियर से बात है? इसके बाद दिया हुआ आपको रिटेनिंग सर्फेस इक्वल टू कर्व सर्फेस, जितना रिटेनिंग सर्फेस करेगा उतना ही आपका कर्व सर्फेस होगा। बोला क्या कि एफ एच जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्या होता है आपका रोजी एच बार इंटू एरिया, रोजी ए एच बार जो हमने आपको बताया था, तो रो कितना है 1000, जी कितना है 9.81। अब बात करते हैं एच बार, तो 2 by 2 दैट इज 1, और ये कितना होगा आपका 2 into 1।
2 × 1, इज दैट क्लियर? तो एफ एच का वैल्यू आ गया कितना, 19.62, एफ एच का वैल्यू आ गया 19.62। सिमिलरली हमने क्या किया, एफ वी फाइंड आउट कर लिया, तो एफ वी बराबर क्या हो जाएगा, रो जी इंटू वॉल्यूम, तो रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 × 1, रो जी इंटू पाई स्क्वायर बाई 2 × 1। हमने क्या किया, सबसे पहले एफ एच का वैल्यू निकाल लिया, कैसे, डब्ल्यू ए एच बार, देखिएगा ध्यान से, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं आपका, मतलब एफ एच बराबर होगा क्या, डब्ल्यू ए एच बार, डब्ल्यू की बात करेंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू जी, एरिया कितना हो गया आपका 2 × 1, और एच बार का वैल्यू हो गया आपका 2/2, सो दैट इज 1, नहीं, और इसको सॉल्व करें कितना आ गया 19.62। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया, एफ वी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, नहीं, तो मतलब एफ वी का वैल्यू जो था वो आ गया आपका कितना, m into g, rho g into volume, क्योंकि fv जो होता है वो होता है आपका volume of fluid displaced, clear से बात है, volume of, sorry, जितना weight displaced होगा fluid का, clear से बात है, या fluid up to free surface, weight of the fluid up to free surface, तो ये rho g into volume, तो rho g into a into 1, rho g pi r square by 2 into 1, is that clear? तो मतलब यहां से आप निकाल लिए value, तो ये आ गया आपका कितना 15.41, ये value आ गया आपका कितना 15.41, clear से बात है? से H star direct लिख दिया यहां पे, आप चाहे तो आप find out करके देख सकते हैं, same result आएगा 1.33, नहीं, लगे H star equals to, हमने आपको बताया क्या, H bar plus IG upon AH bar, क्योंकि चूंकि vertical दिख रहा है आपको gate, जब projected area की बात करते हैं तो obvious सी बात है कि आपको sin square theta लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, तो लगे H bar कितना हो गया आपका 2/2, so that is 1, plus IG 1/12 BD cube, तो width कितना 1, और डेप्थ दिया हुआ है 2, तो 2 क्यूब अपॉन एरिया 2 × 1 और इंटू एच बार, दैट इज 1, क्लियर? तो बोला क्या, देखिए ध्यान से, अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 1 + 1/3, सो दैट इज 1.33, नहीं, और यही लिखा हुआ है, आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और चाहते हैं आप तो ऑब्वियस सी बात है फाइंड आउट करके भी देख सकते थे, नहीं, अब बोला गया एक्स बार, क्लियर बात है, क्योंकि जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है यहां पर, तो बोला कि आपको ये भी डिस्टेंस तो चाहिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हिंज का, क्लियर से बात है, तो बोला कि ये डिस्टेंस जो है ये कितना आपका एक्स बार, तो ये होता है आपका कितना 4r/3π, इज दैट क्लियर, दैट इज 4r/3π, तो बोला कि 4r/3π करके आपका एक्स बार का वैल्यू निकाल लिया, और अब सबका मोमेंट लिख देगा, क्लियर से बात है, तो जब मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट क्या होगा आप देखिए ध्यान से, तो बोला कि आपका सबसे पहला मोमेंट होगा किसका, मोमेंट ऊपर ही लिखें एक बार, देखिए ऊपर ही लिखते हैं मोमेंट, यही लिखते हैं मोमेंट, फिगर देख के लिखना पड़ेगा मोमेंट, नहीं फिर बाद में आपको दिखा देंगे, तो बोला सबसे पहले बात करते हैं एफ एच, तो बोला सबसे पहले बात है एफ एच, तो लिख दिया आपने एफ एच इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है एच स्टार, और ये डिस्टेंस कितना है एच बार, तो ये हो जाएगा आपका एच स्टार माइनस एच बार, तो ये डिस्टेंस निकल गया, क्लियर से बात है, इसके बाद अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने इसको ले लिया पॉजिटिव, आपने इसको ले लिया पॉजिटिव, इज दैट क्लियर, बोला कि अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, तो बोला कि हो जाएगा आपका इक्वल्स टू एफ वी और इंटू 4r/3π, क्लियर, और प्लस अगर बात करें क्योंकि ये जो फोर्स है ये भी आपका क्लॉकवाइज लगाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एफ इंटू कितना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा ये पूरा डिस्टेंस है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/2, सो दैट इज 1, क्लियर, बोला सारे वैल्यूज अपने को पता है, सिर्फ एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां भी यही काम किया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है मोमेंट लिखा है एफ एच, ऑब्वियस आप एक को साइड लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो आप इसको उस साइड भी ले जाकर काम कर सकते हैं इस टर्म को, क्योंकि एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है दो क्लॉकवाइज, तो दो को ऐड कर दिया, इसको उस साइड ले गए, सॉल्व कर लिए इसको, तो बोला गया यहां से क्या इसका वैल्यू आ गया आपका एफ का वैल्यू आ गया, नहीं, तो एफ का वैल्यू कितना आ गया आपका 0 kN, क्लियर से बात है, एफ इक्वल्स टू 0 kN, क्लियर से बात है, तो बोला ये हाइड्रोस्टेटिक का था वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे क्वेश्चन, क्लियर से बात है, ओके थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.